ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी आपको कम्युनिकेशन फॉल्ट दिखे, एग्जांपल के तौर पे आपने न्यूट्रल और सिग्नल पे चेक किया और वोल्टेज आपको फिक्स आ गई, फिक्स का मतलब 40-41 या 50-51 फिक्स आ रही है या जीरो आ रही है, तो उस केसेस में कम्युनिकेशन फॉल्ट होगा। अब कम्युनिकेशन फॉल्ट इनडोर की तरफ से है या आउटडोर की तरफ से है ये आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम इनडोर पीसीबी से कम्युनिकेशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ये कैसे चेक करेंगे उसको सीखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो इंडोर पीसीबी से कम्युनिकेशन की वायर निकल रही है उसे यहाँ से ओपन कर लेना है। ये आप वायर देख पा रहे हो, तो इसे हमें यहाँ से ओपन कर लेना है, इसे यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, ये वायर निकल गई इंडोर की साइड से, ठीक है। ये हमारी इंडोर पीसीबी का है, इसमें और न्यूट्रल में डीसी वोल्टेज चेक करना है, इसमें और न्यूट्रल में। तो हम एक इसमें लगा देंगे और एक न्यूट्रल में लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, 23 फिक्स सप्लाई आ रही है। तो अगर 20 से 25 के बीच में कोई डाटा फिक्स सप्लाई आ रही है, इसका मतलब इंडोर आपकी कम्युनिकेशन निकाल रहा है, यानी कम्युनिकेशन फॉल्ट में इंडोर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।